सो है गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू द आवर YouTube चैनल सन फोटोग्राफी। सो गाइस आज के इस न्यू वीडियो के अंदर मैं आप लोग का बेस्ट वन क्लिक फोटो एडिटिंग ऐप देने वाला हूं, जिसका आप लोग यूज करके काफी कम टाइम में आप लोग फोटो एडिटिंग कर सकते हो। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं कि वो ऐप कौन सा है, तो इस वाले वीडियो को आज आप लोग लास्ट तक देख लीजिएगा। और अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हैं वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्ट। तो गाइस पहले आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग अपने फोन के अंदर गाइस प्ले स्टोर एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन कर लीजिएगा। और यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, सर्च बॉक्स के ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करके यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, फोटो डायरेक्टर आप लोग यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा। तो आप जैसे यहाँ पर सर्च कीजिएगा तो आप लोग सामने ये वाला एप्लीकेशन खुल के आएगा। तो अभी आप लोग क्या कीजिएगा, इस एप्लीकेशन को यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं पहले से यहाँ पर डाउनलोड किया, तो मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ इस वाला एप्लीकेशन को यहाँ पर। तो आप जैसे इस वाला ऐप को ओपन करेंगे तो आप लोग के सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोग का यहाँ पर एडिट के ऑप्शन पर आप लोग एक बार क्लिक करके यहाँ से आप लोग का कीजिएगा, आप लोग को जिस फोटो का एडिट करना है उस वाला फोटो को सिंपली से यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। तो एग्जाम्पल के लिए इस वाला फोटो को यहाँ पर इस ऐप के अंदर ओपन कर लिया, जो कि देख सकते हो आप लोग यहाँ पर। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पर टूल के ऑप्शन पर आप लोग एक बार क्लिक कर लीजिए, जो कि नीचे साइड में यहाँ पर होगा। तो इस वाला आइकॉन पर क्लिक करके आप लोग अपने फोटो को यहाँ पर क्रॉप वगैरह यहाँ पर इस तरह से कर सकते हो। मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा देता हूँ, इस तरह से आप लोग यहाँ पर क्रॉप वगैरह भी कर सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पर क्रॉप इसको नहीं करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ से इसको कट कर लेता हूँ। तो अब सेकंड नंबर पर आपको मिलेगा एक एडजस्ट का आइकॉन। तो इस वाला एडजस्ट टूल के ऑप्शन पर आप लोग एक बार क्लिक करके अपने फोटो में आप लोग यहाँ पर लाइटिंग वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। जैसा कि आप लोग अपने फोटो में यहाँ पर ब्राइटनेस को दे सकते हो, कॉन्ट्रास्ट को दे सकते हो और सैचुरेशन को भी यहाँ पर दे सकते हो। और अगर चाहते हो कि आपका फोटो के अकॉर्डिंग यहाँ पर लाइटिंग गार्डन एडजस्ट हो जाए, तो इसके लिए आप लोग का यहाँ पर ऑटो के ऊपर अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो आप जैसे यहाँ पर ऑटो के ऊपर सिलेक्ट कीजिएगा तो आपके फोटो के अकॉर्डिंग यहाँ पर लाइटिंग गार्डन एडजस्ट हो जाएगा, जो कि बिफोर एंड आफ्टर अभी आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो। मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा देता हूँ। फिलहाल मैंने अपने फोटो में लाइटिंग कंडीशन यहाँ पर एडजस्ट कर लिया, जो कि देख ही सकते हो आप लोग यहाँ पर। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सिंपली यहाँ से इसको हम लोग राइट क्लिक करते हैं इस तरह से। तो अब फोर नंबर आपको मिलेगा स्टाइल का ऑप्शन। इस वाला स्टाइल के ऑप्शन पर आप लोग एक बार क्लिक करके अपने फोटो में आप लोग कार्टून एनिमेशन को यहाँ पर दे सकते हो। तो फिलहाल मैं कार्टून एनिमेशन को यहाँ पर नहीं देने वाला हूँ, तो सिंपली यहाँ से इसको हम लोग कट कर लेते हैं। तो अब फाइव नंबर टूल पर आप लोग को मिलेगा एलिमेंट का ऑप्शन। इस वाला एलिमेंट के आइकॉन पर आप लोग एक बार क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ से आप लोग कीजिएगा एक बार यहाँ से उसको आप लोग बैक कर दीजिएगा। तो आप लोग सामने बहुत सारे यहाँ पर टूल खुल के आ जाएगा, जो कि देख ही सकते हो आप लोग यहाँ पर। अगर आप लोग के फोटो में स्काई वगैरह होगा तो आप लोग लगे यहाँ पर स्काई के ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग अपने फोटो में स्काई वगैरह को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो फिलहाल मेरे फोटो में यहाँ पर स्काई नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बैक के ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर लेते हैं। और गाइस यहाँ पर आपके एक मस्त टूल मिलेगा, जो कि मैं आप लोग यहाँ बता देता हूँ। यहाँ पर आप इसको कुछ इस तरह से स्क्रॉल करेंगे तो आपको मतलब कि एनिमेशन नाम का एक आप लोग को टूल मिलेगा। तो इस वाला एनिमेशन के ऊपर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। और इसका क्या काम है मैं अभी आप लोग को बताता हूँ। मान के चलिए अगर आप लोग अपने फोटो में एनिमेशन वगैरह को देना चाहते हो, तो इसके लिए आप लोग क्या यहाँ पर मोशन के ऑप्शन पर एक बार क्लिक करके आप लोग अपने फोटो में इस तरह से यहाँ पर एनिमेशन वगैरह को भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा देता हूँ, देख सकते हो कितना बवाल हमारा फोटो यहाँ पर लगने लगा है। आप हर तरह का यहाँ पर इस तरह से कर सकते हो या इस तरह से भी कर सकते हो यहाँ पर, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर कितना अच्छा तरीके से लग रहा है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर एनिमेशन नहीं देने वाला हूँ, मैं सिर्फ फोटो एडिटिंग करने वाला हूँ। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बैक के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। सो गाइस आपको यहाँ पर बहुत सारे टूल मिल जाएगा, जो कि देख ही सकते हो आप लोग यहाँ पर। अगर मैं सारे टूल के बारे में बताऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगा यहाँ पर। तो फिलहाल मैं यहाँ पर सीधी फोटो एडिटिंग करने वाले हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में अपने फेस को यहाँ पर हम लोग स्मूथ करने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फोटो टूल के ऑप्शन पर एक बार क्लिक करते हैं इस वाला आइकॉन पर। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, फेस स्मूथिंग के ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर लेते हैं। तो जो ऑटोमेटिक आपके फेस को यहाँ पर स्मूथ कर देगा, जो कि देख ही सकते हो आप लोग यहाँ पर। और इसके अमाउंट को आप लोग यहाँ पर फुल इनक्रीज कर देगा इस तरह से। तो अभी आप यहाँ पर बिफोर एंड आफ्टर यहाँ पर देखे तो कितना फेस हमारा अच्छे तरीके से यहाँ पर स्मूथ हो चुका है। तो अभी क्या करते हैं, सिंपली से यहाँ से इसको हम लोग राइट क्लिक कर लेते हैं। तो गाइस अभी हम लोग क्या करते हैं, अपने बैकग्राउंड को हम लोग सीधी कैसा बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पर कटआउट टूल के ऑप्शन पर एक बार यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, जो कि मैं आप लोग के यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये वाला आइकॉन पर आप लोग यहाँ पर एक बार क्लिक कर लीजिएगा। तो जैसा ही आप लोग इस वाला टूल के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपका फोटो का बैकग्राउंड यहाँ पर वन क्लिक के अंदर रिमूव हो जाएगा, जो कि देख ही सकते हो आप लोग यहाँ पर। तो अभी आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पर प्लस के ऑप्शन पर आप लोग एक बार क्लिक करके यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग इसी भी बैकग्राउंड को सिंपली से ऐड कर लीजिएगा। तो आप लोग इस वाला सीधी बैकग्राउंड को सिंपली यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा और अपने फोटो को आप लोग इस तरह से एडजस्टमेंट वगैरह करके सिंपली से यहाँ से उसको आप लोग डन कर लीजिएगा इस तरह से। और गाइस अगर आप लोग चाहते हो अपने बैकग्राउंड में आप लोग PNG वगैरह ऐड करना, तो इसके लिए आप लोग यहाँ पर ऐड इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग यहाँ पर कुछ भी ऐड कर सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पर एक बोके इफेक्ट PNG को ऐड कर लेता हूँ। सो गाइस मैंने इस वाले बोके इफेक्ट की PNG को सिंपली यहाँ पर ऐड कर लिया हूँ, जो कि देख सकते हो आप लोग यहाँ पर। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको अपने फोटो के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग जूम कर लेते हैं इस तरह से।
और गाइस यहाँ से हम लोग क्या करते हैं ब्लेंड मोड के ऑप्शन पे एक बार क्लिक करके इसको हम लोग स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर सिलेक्ट हम लोग कर लेते हैं इस तरह से, और सिंपल से यहाँ से इसको हम लोग राइट क्लिक कर लेते हैं। सो गाइस अभी हम लोग क्या करते हैं अपने टी शर्ट को हम लोग कलर करने वाले हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं फिर से ऐड इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करके हम लोग क्या करते हैं एक ब्लू बैकग्राउंड को सिंपल से यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो आप लोग इस वाले ब्लू बैकग्राउंड सिंपली यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा और इसको आप लोग कुछ इस तरह जूम करके अपने टी शर्ट के पास यहाँ पर या कपड़े के पास इस तरह से एडजस्ट कर लीजिएगा। और यहाँ से आप लोग क्या ब्लेंड मोड के ऑप्शन पर आप एक बार क्लिक करके इसको आप लोग यहाँ पर ऑफर लेके ऊपर यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। और सिंपल से आप लोग ऊपर साइड में मतलब इरेजर ब्रश का एक ऑप्शन मिलेगा, तो इस वाले इरेजर के ऑप्शन पर क्लिक करके कुछ इस तरह से फोटो को आप लोग जूम कर लीजिएगा और यहाँ से आप लोग कहिएगा एक्स्ट्रा पार्ट को इस तरह से यहाँ पर रिमूव कर लीजिएगा। और अब सिंपली यहाँ से इसको आप लोग डन कर लीजिएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग क्या करते हैं अपने हेयर को थोड़ा बहुत यहाँ पर एडिट कर लेते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं फिर से ऐड फोटो के ऑप्शन पर एक बार क्लिक करके यहाँ से हम लोग क्या करते हैं एक हेयर की पीएनजी को सिंपली से ऐड कर लेते हैं। सो गाइस मैंने यहाँ पर इस वाला हेयर पीएनजी को सिंपली से ऐड कर लिया जो कि देख ही सकते हो आप लोग यहाँ पर, और इस तरह का हेयर पीएनजी का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आपको बहुत सारा यहाँ पर मिल जाएगा, आप लोग अपने फोटो के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगा सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं इसको कुछ इस तरह जूम करके अपने फोटो के हिसाब से यहाँ पर इस तरह से हम लोग एडजस्ट यहाँ पर कर लेते हैं इस तरह से। सो गाइस यहाँ पर लगभग हमारा फोटो एडिटिंग का वर्क यहाँ पर सिंपली कंप्लीट हो चुका है, जो कि देख ही सकते हो आप लोग यहाँ पर बस बच गया अपने फोटो में हल्का सा कलर ग्रेडिंग करना। तो इसके लिए हम लोग क्या करें यहाँ पर एडजस्ट टूल के ऑप्शन पर एक बार क्लिक करते हैं और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं एचएसआर के ऑप्शन पर एक बार यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं अपने फोटो को यहाँ पर कलर ग्रेडिंग हल्का सा कर लेते हैं इस तरह से। तो फाइनली गाइस हमारा फोटो एडिटिंग का वर्क यहाँ पर सिंपली कंप्लीट हो चुका है, जो कि देख ही सकते हो आप लोग यहाँ पर। तो अभी हम लोग क्या करते हैं अपने फोटो गैलरी के अंदर सेव करने वाले हैं, तो इसके लिए हम लोग कहते हैं यहाँ पर डाउनलोड के ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे जो कि ऊपर के साइड में होगा, तो इस वाला आइकॉन पर आप लोग एक बार क्लिक करके अपने फोटो को आप लोग गैलरी के अंदर इजिली यहाँ पर सेव कर सकते हैं।